स्वामी जी आप बात कर रहे थे जीप की, अब जीप भी बेचारी क्या करे, ऐसा कनेक्शन दे रखा है उसने खाने के साथ, दूर से स्वामी जी ना वाईफाई की तरह पकड़ लेती है स्वाद को और खींच लेती है अपने आप को, तो अब उसके चक्कर में स्वामी जी मोटापा भी बढ़ता जाता है। लेकिन स्वामी जी मोटापे का किडनी की सेहत से क्या लेना देना है, जरा ये भी समझाइए, और मोटापे के जो साइड इफेक्ट्स हैं उससे किडनी को कैसे हम बचाएं और कंट्रोल करें अपने वजन को ताकि किडनी के ऊपर ज्यादा असर ना पड़े। देखो, एक तो मोटापा के लिए अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, बैठ करके ये स्थित कोणासन कितनी बार करना है, 100-100 बार, कितनी बार, 100 बार से लेके 1000 बार तक पहुंचा देते हैं हम। हाँ, आशी सब तो ऐसा मस्त हो गया है, बोले बाबा जी ये तो सोचा ही नहीं था रोज का 1 किलो जाएगा, ऐसे ही है। 100 बार से लेके 1000 बार तक स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 5 आसन, और फिर जिनको पूरी बॉडी को शेप में लाना है तो भुजंगासन, शलभासन भी कर लो और थोड़ा सूर्य नमस्कार भी कर लो, हो सके तो योगेश की तरह दौड़ भी लगा लो, क्या बात है। और गोधन आर्क, वेट गो, में दोहर वटी, अश्वगंधा के पत्ते खा लो, अश्वगंधा के पत्ते वेट घटाने के लिए, शीशम के पत्ते पित्त हटाने के लिए, फिर ये बेल के पत्ते भी पित्त के लिए, ये पीपल के पत्ते भी पित्त के लिए, पित्त का पित्त बढ़ने से किडनी की बीमारी होती है। ये पत्थर चटाई इधर सामने रखा है, ये भी किडनी को बड़ा अच्छा कर देता है, एक बार सप्ताह में खा लो पूरी किडनी की सफाई। पेट की सफाई के लिए तो चूर्ण खाते रहते हैं, लग्जेटिव से लेते रहते हैं, किडनी की सफाई कैसे करें, गोखरू का पानी पियो, जो का आटा, जो का दलिया खाओ सप्ताह में एक दिन, पत्थर चटा खाओ, कुलथ की दाल खाओ, हाँ, इससे किडनी की सफाई, और अर्जुन की छाल दालचीनी से हार्ट की सफाई, और मेधा क्वाथ से दिमाग की सफाई, और नाक में अणु तेल और बादाम का रोगन डालो और ज्योतिष मट्टी डाल दो तो अंदर तक पूरा खखाटा छा देता है। और पसीने से तो देखो अभी पसीना बह रहा है, इससे तो पूरे शरीर की सफाई, लोग अंदर जो है पूरा कूड़ा कचरा लेकर के घूमते रहते हैं, और कूड़ा कचरा क्या बन जाता है, खतरा, और ये सारा खतरा अब टलेगा। और ये देखो, ये उल्टे लेट करके भुजंगासन, शलभासन, ये भी वेट के लिए जबरदस्त है, 100-100 बार, कितनी बार करना है, 100 बार, ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ऊपर, ऐसे पूरा 10 बार से शुरू करके 100 बार तक पहुंचना है, भुजंगासन में भी और शलभासन में भी, ऐसे। और खाने में फिर थोड़ा फ्रूट्स, वेजिटेबल, संकुरित ये खाएं, तीखा, तला। मैं 3 माफियाओं के बारे में रोज सजग करता हूँ, फूड माफिया, जंक फूड माफिया, और ये दवा माफिया, मेडिकल माफिया, और फिर भोगवाद को फैलाने वाले उनका पूरा एक गठजोड़ है, उसमें एंटरटेनमेंट माफिया भी है, कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल माफिया भी है, सब मिलकर के पूरी दुनिया में तबाही मचाए हुए हैं, लोगों की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया है। जन्नत बनाना है तो थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। अच्छा देखो, मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं सबके लिए योग करता हूँ, लो कोई बीमारी नहीं, मोटा नहीं फिर भी मोटापे वाले अभ्यास करता हूँ। अब ये मेरे से रोज कहते स्वामी जी मोटे पावड़ा बताओ, मुझे फिर जाकर के घी पीना पड़ता है तब जाकर के अपना वेट बैलेंस करता हूँ, नहीं तो अभी तक तो पूरा कंकाल निकल जाता बाबा जी का। तो लोग कहते हैं वेट कम नहीं होता, मैंने कहा आजा बेटे लग जा साथ में, देख तेरा पड़ोसियों का, तेरे कुटुंब का, तेरा पूरे खानदान का वेट तेरे पड़ोसियों तक का ना कम हो जाए, तो जो बता रहा हूँ उसको कर ले, करना पड़ेगा, ये योग करने के लिए है, नवरात्र करने के लिए है, योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म करने के लिए, सब कुछ जीने के लिए है, ये राम कृष्ण हनुमान शिव तत्व, दुर्गा भवानी भगवती की आराधना करते हैं, ये सब जीने के तत्व हैं। करो योग को, करो और योग को जीवो, जीवो जी, जीना है, गीता को जियो, धर्म को जियो, स्वामी जी जियो।
यही धारण करने योग्य धर्म है और जिससे बचना हुआ धर्म है। और यही अनुशासन, आपका वाला अनुशासन, 10% भी लोगों ने इसे अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया तो बीमारियों से तो बहुत दूर और जीवन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। स्वामी जी, क्योंकि लगातार हम किडनी के रोगों की बात कर रहे हैं तो तेजी से बढ़ते किडनी के रोगों के पीछे एक और बड़ी वजह है और वो है हाई ब्लड प्रेशर। डायबिटीज भी है, इन गंभीर बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए भी योगाभ्यास का एक सेशन करवा दीजिए। तो पवन मुक्तासन लेट करके और मरकटासन, अभी मैंने बताया था, ऐसे पैर मोड़ के और पैर सीधा करके, ये पवन मुक्तासन मरकटासन लेट के दो ही कर ले। लोग ज़्यादा नहीं कर पाते, मैं कहता हूँ दो ही प्राणायाम कर लो, दो ही आसन कर लो, दो जड़ी बूटी मुक्तावटी बीपी ग्रीट बीपी के लिए लौकी या पेठे के जूस के साथ और मधुनाशिनी मधुग्रीट, और हाँ खीरा करेला टमाटर का जूस तो बताते ही, उसमें डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक। कल अजय आया, बोली जी 2 साल हो गए इंसुलिन बंद हो गया, लो शुगर तो कंट्रोल हो रहा इंसुलिन बंद। पूरी दुनिया में इंडिया टीवी वो कार्यक्रम देता है जिससे लोगों का इंसुलिन बंद होता है, जिससे डायलिसिस बंद होता है, लीवर किडनी की डिजीज रिवर्स होती है, फैटी लीवर, लिवर सिरसिस, हेपेटाइटिस, लीवर कैंसर, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ हो, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ हो, प्रोटीन हो, ये प्रोटीन लीकेज भी बढ़ा है। गिलोय गोखरू आंवला, गिलोय गोखरू आंवला, और उसी में ये और मिला दो, गिलोय गोखरू आंवला के अंदर शीशम, पीपल, पीपल नीम, नीम उधर रखा है, नीम पीपल गोखरू कांसरी और ये काढ़ा दो और रिनोग्रेड दो, प्रोटीन लीकेज भी खत्म और पूरी सिस्टिक किडनी है, कपालभाती, सिस्टोग्रीट या वृद्धवादी का भी साथ में दे दें। मंडूकासन, शुगर भी ठीक, ये ड्रैगन फ्रूट, अब ये तो ये बच्चे ले आए बस, ये तगड़ा तगड़ा हो जाता है, ये बड़ा अच्छा होता है। और हाँ ये कब्ज के लिए परमौषधि है, खून भी इससे बढ़ता है और भूख बहुत अच्छी लगती है, पेट बढ़िया साफ हो जाता है, किडनी की भी सफाई हो जाती है। ये तगड़े तगड़े लिया है, बच्चे मत तोड़ा करो भाई, हाँ तगड़े तगड़े ये अब एक खा लो ना, जिसको भी कब्ज रहता हो, ये मैया उधर ही हाथ ही किए हुए है। हाँ ये मैया बहुत दूर से, कंचन अमेरिका से, गुजरात से, पहले हम गुजरात, गुजरात से अमेरिका पहुंच गए। मंडूकासन बड़ा जबरदस्त, हाँ रे हाँ वो तो छूट ही गया। एक तो ये तो किडनी के लिए, देखो हथेली के बीच में, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये किडनी के लिए, और ये है, हाँ ये है, ये लाल वाला ड्रैगन है, और ये है शुगर के लिए, ये आँख के लिए, ये कान के लिए, ये थायराइड के लिए। एक भाई तो आज आया था 200 थायराइड की दवाई, 200 mg ले रहा था, छूट गई 200 mg।